हे एवरीवन, मैं प्रिया कुक विद प्रियांशुष में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे चीज़ टोस्ट। मेरे पास ना ब्रेड बची थी और मेरे पास आलू का मसाला बचा था, तो एक ही ब्रेड बची थी, एक ब्रेड भी मैंने बचाई थी क्योंकि मुझे वाला वीडियो बनाना था, दैट्स वाई। तो मैंने ना एक ब्रेड ली, ब्रेड के ऊपर मैंने केचप लगाया और उसके ऊपर आलू का मसाला जो पड़ा था ना सैंडविच का, वो अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। एकदम अच्छे से करना, इक्वली करना, कभी कभी अगर इक्वल ना हो जाए तो भी कोशिश करते रहना। फिर मैंने एक पैन लिया, पैन के ऊपर घी अच्छे से लगाया और ना ये मैगी मसाला डाला, इससे आपका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, पता है। फिर इसको जो हमने जिस तरफ आलू लगाया था ना उस तरफ इसको पलट देंगे और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारा आलू नीचे से अच्छे से सिक ना जाए, क्रिस्पी ना हो जाए, और ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो अगर आप आपके पास ब्रेड पड़ी हो, ऐसे सब्ज़ी भी पड़ी हो ना, तो आप वैसे भी बना सकते हो कि सब्ज़ी को एकदम अच्छे से मैश करके फिर उसके ऊपर स्प्रेड करके फिर उससे भी बना सकते हो, तो बहुत टेस्टी लगता है। फिर आफ्टर 5 मिनट्स हमारा आलू एकदम अच्छे से नीचे से देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुका था। तो मैं ना चीज़ स्लाइस लगा रही इसके ऊपर। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, अगर आपके पास मोज़रेला हो तो आप मोज़रेला यूज़ में ले सकते हो, चीज़ क्यूब कोई भी यूज़ में ले सकते हो। मुझे पर्सनल चीज़ स्लाइस और मोज़रेला बहुत पसंद है, मैं अभी चीज़ स्लाइस यूज़ में ले रही हूँ। इसका पता है, इसका ना पैकेट खोलने में बड़ा मज़ा आता है, ये चीज़ स्लाइस का ऊपर से जो इसका रैपिंग पेपर है ना, खोलने में बहुत मज़ा आता है। कॉमेंट करके बताना किस किस को आता है। तो इसके ऊपर एकदम अच्छे से लगा देंगे। अगर आपको दो लगाने तो आप दो भी लगा सकते हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ लवर हो। इसके ऊपर एकदम अच्छे से लगा देंगे इसको। फिर हम इसको ना ढक देंगे और 5 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारी चीज़ मेल्ट ना हो जाए और नीचे से हमारी ब्रेड ना क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं हो जाए उतने मिनट में। तो 2-3 मिनट बाद हमारी चीज़ देखिए एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारा ब्रेड भी नीचे से एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुका है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको ना हम सर्व करेंगे धनिया की चटनी के साथ, क्योंकि मेरे पास वही बनाई हुई पड़ी थी। अगर आपको धनिया की चटनी का वीडियो चाहिए, तो रेसिपी चाहिए, तो कमेंट करके बताना। मैं बहुत टेस्टी धनिया की चटनी बनाती हूँ, सीरियसली बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारा टोस्ट कितना अच्छे से बन चुका है, नीचे से देखिए कितना क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कॉमेंट करना, लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और घर में जितने भी फ़ोन हो ना, सारे फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो यार, 1000 सब्सक्राइबर्स में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब 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 एंड एंजॉय। बाय, टेक केयर।